हेलो इंडिया, आप सबका स्वागत है मेरे एक नए। हमारे गांव को यूट्यूब विलेज के नाम से बोला जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो यूट्यूब में एक्टिव हैं और कलाकारी वगैरह करते हैं और हर प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं। हमने हमारे गांव में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था बिंग छत्तीसगढ़िया, सन 2018 जनवरी में। उस समय इस चैनल पे मैं और मेरा जो फ्रेंड है जय, हम दोनों ने स्टार्ट किया था। फिर हम कुछ वीडियोस बनाए, मतलब दो लोग मिलके वीडियोस बनाए। फिर हमें लगा कि कलाकार और हमको उपयोग में लाने चाहिए, तो कुछ अपने फ्रेंड से बोले कि यार थोड़ा सा तुम भी आप भी आ जाओ, साथ में एक्ट करते हैं। तो वो भी उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट आया, तो वो भी एक्टिंग कर दिए। और ऐसा करते करते हम लोगों ने कई सारे अपने दोस्तों के साथ काम किया। फिर हमें लगा कि कुछ बुजुर्ग के कलाकार भी चाहिए हमको, जो थोड़ा सा 60 हो या 70 एज के कोई कलाकार चाहिए। तो वैसे लोग भी थे हमारे यहाँ पे, हमने उनको अप्रोच किया कि आप इसमें थोड़ा सा एक्ट कर दो। तो पहले तो उनको थोड़ा सा झिझक हुआ, क्योंकि पहली बार कैमरा फेस वगैरह करना। पर हम लोग थोड़ा सा उनकी हेल्प किए और थोड़ा समझाया कि आप ऐसा नहीं है, आप छोटा सा रोल, एक ही डायलॉग बोलो। तो वो मतलब धीरे धीरे करके वो लोग भी आना चालू कर दिए। अब हुआ क्या कि कुछ वीडियोस हमारे जब वायरल होने स्टार्ट हो गए, तो आसपास जब जाते थे कहीं भी कोई भी, तो लोग उनको रिकॉग्नाइज कर लेते थे कि आपको मैं वीडियो में देखा हूँ, आप उस वीडियो में एक्टिंग कर रहे थे, बहुत अच्छा किए। तो उनको थोड़ा सा खुशी मिलता था कि चलो हमको लोग पहचान रहे हैं। इस हिसाब से फिर धीरे धीरे हमारे गाँव के बहुत सारे लोग हमारे वीडियोज़ में एक्ट करने लगे। और फिर कुछ लोगों को लगा कि अब हमें भी अपना चैनल स्टार्ट करना चाहिए, हम भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो हमारे पास आए तो हमने कहा बिल्कुल आप भी कर सकते हो। तो जैसा भी उनकी हेल्प लगी स्टार्टिंग में हमने की, उनके चैनल को बनाने में, ग्रो करने में, जैसा भी कैमरा, जो भी सपोर्ट उनको चाहिए होता था। तो कई सारे चैनल धीरे धीरे बनने स्टार्ट हो गए, और बनते बनते हमारे गांव में 40 के आसपास चैनल अभी बन चुके हैं और लगातार बन रहे हैं। अभी अभी और नए नए युवा उठ के आ रहे हैं कि हमें भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। और ये सब बातें धीरे धीरे न्यूज़ के जरिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी पता चली, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया कि आप लोग कैसा काम करना चाहते हैं, आपका विज़न क्या है। तो वो हमने बताया कि हम चाहते हैं कि जो युवा हैं वो भी, क्योंकि एक यूट्यूब भी इनकम का एक अच्छा जरिया है जिससे युवा पैसे कमा सकते हैं। आप अपना काम भी कर सकते हो, साइड एज अ साइड भी बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, या मेन भी आप आ सकते हो, तो इससे लोग पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसा हमारा विज़न है, तो अपने गांव के युवाओं को ऐसा यूट्यूबर बनाना चाहते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने हमारे गांव में एक स्टूडियो बनाने का सोची, और हमर फिक्स नाम से स्टूडियो बना, जिसमें सभी अब जो हमारे गांव के यूट्यूबर्स हैं वो आते हैं, अपना जिसको जो इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। कई लोगों के पास कैमरे नहीं थे, तो यहाँ पे कैमरा अवेलेबल है, तो वो कैमरा ले जा सकते हैं शूट करने के लिए। कई लोग मोबाइल में एडिट करते थे, और बड़े प्रोजेक्ट अगर होते थे तो वो कर नहीं पाते थे, तो अभी बड़े प्रोजेक्ट भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे ड्रोन्स हैं, गिम्बल्स हैं, मतलब इक्विपमेंट बहुत सारे जो बेसिक इक्विपमेंट चाहिए होते हैं यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो वो ले जा सकते हैं, या यहाँ पे आके शूट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और इस हिसाब से ये हमारे गाँव को यूट्यूब विलेज बोला जाता है। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।